मैं भी आऊंगा। ज़्यादा इतना होगा तो फोन कैसे लेके जाएंगे, लेकिन इतना तो गाने से वहाँ लेके जाएगा हम फोन। वीडियो करना है मुझे। मछली मेरा पैर में लग गया गाइस। लगता है इस बार बड़ा मछली फंसने वाला है। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड स्वागत करता हूँ दोस्तों फिर से और एक नई वीडियो पे। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है यहाँ से शुरू होती है नदी के किनार से। तो एक्चुअली गाइस मैं और सुबह जो है नदी के उस पार पे जाने वाले हैं। तो देखते हैं पहले नदी को पार हो सकता है कि नहीं। एक्चुअली हमारे वहाँ पे जो एक बड़ा सा कद्दू का खेत है, तो उसको जो है अभी खेत को देखना है कद्दू लगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी जो है हमारे यहाँ पे गांव पे कद्दू का दाम बढ़ चुका है, तो इसलिए देखने जाना है। अगर कद्दू मिलेगा तो पैसा ही पैसा मिलेंगे हमें। तो फिलहाल बाइक को जो वहाँ पे रखेंगे, तो देखते हैं पहले नदी को पार हो सकता है कि नहीं। नहीं पार नहीं हो सकेगा दोस्तों, हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा रिस्की है। और आप लोग को तो पता है नदी में जो है तो रिस्क भी नहीं लेना है क्योंकि पकड़ने का जगह नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते गाइस प्लाट आने के कारण पूरा जो है ये डुबा के जो है पूरा ले गया, ग्रास भी जो है पूरा एकदम उड़ा उड़ा के लेके गया गाइस। देख सकते हैं आसमान में नहीं दोस्तों, पानी में उड़ा के ले गया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है जो बुलडोजर यहाँ पे जमा किया है ना, सब कुछ जो है ये एकदम स्प्रेड आउट हो गया जहाँ पे जमा किया है। लेकिन हम लोग जब वहाँ से ट्राई करेंगे उधर जाने के लिए, तो ये पार होने के बाद दोस्तों और इससे ज़्यादा बड़ा नदी उस पार पे है, तो उसको भी पार होना पड़ेगा हमें। पहले देखते हैं इसको पार हो पाते कि नहीं हम लोग। तो आजा सुबह तो साबुन भी लाया साथ में नहाने के लिए। और गाइस बता दूँ पहले से ज़्यादा इस बार जो है पूरा ये संभाल सके लेके गया, एंड ग्रास भी जो है आजकल बहुत कम देख रहे हैं। और हम लोग जो है यहाँ पे नेट से फिशिंग करने आए थे, लेकिन छोटे छोटे मछलियाँ मिले थे, वो जो मस्कतियों नेट होता है ना उससे हम लोग फिशिंग किए थे यहीं पे। लेकिन उस वक्त थोड़ा पानी का लेवल बहुत बड़ा था। और तो फिलहाल हम लोग ट्राई करते गाइस यहाँ से, तो फोन को शायद जो है यहाँ पे सोर के जाएंगे। अगर इतना होगा तो ऐसे पकड़ के लेके जाएंगे वीडियो शूट करके। लेकिन अगर हम लोग भी डूब जाएंगे ना दोस्तों, तो हम लोग जो है एक बार ट्राई करके आएंगे सबसे पहले, नहीं तो कैसे पता होगा ना कितना गहराई है नदी। तो पहले हम लोग जो है यहाँ पे ट्राई करते हैं। हम सुभाष को जो है एक बार वीडियो शूट करने देगा, अगर हम वहाँ पे पार हो पाते आसानी से तो फोन ले कर जाएंगे, नहीं तो वरना ऐसे रहना पड़ेगा। तो कैसे रहो, सुभाष को मैं बुला लेता हूँ। ओ सुभाष आजा, मैं सबसे पहले जो है ट्राई करते आता हूँ ना सुभाष, चेकता है कि नहीं। अगर क्योंकि फोन भी ज़रूरत होगा वीडियो बनाने के लिए, वहाँ पे अगर ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। तो फिलहाल तुम फोन पकड़ लीजिए। फोन नहीं, मोबाइल ऐसे जाएगा, हम लॉन्ग भी पहन के आया है। नहीं हाफ पैंट से जाने से ठीक होगा, फुल पैंट से जाएगा। हाँ ऐसे जाएगा। वाओ जंगल में इतनी ना ऐसे वो ये भी इतना गहरा है। गहरा तो होगा ही, डर लग रहा है हमको तो। वो बहुत गहरा है, ओ ठंडा भी है वो। मैं भी आऊंगा पीछे पीछे, मैं भी आऊंगा। इतना गहरा है, ज़्यादा इतना होगा तो फोन कैसे लेके जाएंगे, लेकिन इतना तो गाने से वहाँ लेके जाएगा हम फोन। वीडियो करना है मुझे। नहीं सकेगा नहीं सकेगा। उधर में जो है पूरा इतना तो कहाँ से आता है पानी। ओ माँ, डायरेक्ट चला गया था, मैं डर गया।
ऐसे नहीं जाना चाहता दोस्तों कपड़े के साथ, मैं जो गलती किया, लेकिन जंगल है सच के जो है ये सब कुछ मैं पहन के आया तैयार होके, लेकिन पार हो सकने से बहुत बढ़िया होगा और एक बार ट्राई करेगा, हम वहाँ से आके ट्राई करेगा। चलो सुबह से उम्मीद शादी क्या हो गया हो यार उस पर जाने से ना नहीं होगा ये कपड़े के साथ, बिल्कुल नहीं होगा गाइस। देखने में छोटा है लेकिन ऐसे बहुत बड़ा है नदी, वहाँ पे वो बीच वाला जो है ना जिसमें पूरा जो हाथ तक भी नहीं आता है, हम पूरा ट्राई किया था, ये थोड़ा सैलो है उसमें और थोड़ा ज़्यादा धूप है, डीप है वहाँ पे, थोड़ा गहरा है उधर में। तो गाइस अगर उस गलती से उस पार उधर में गिर गया ना आप, उधर का ज़्यादा वो है कारण, ज़्यादा वहाँ पे गिर गया तो आपको लगभग बचना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पे जो है ऐसा थोड़ा वो नहीं है, पूरा डायरेक्ट वहाँ पे कारण नहीं है, डायरेक्ट नीचे आपको बेहतर लेके जाएगा। और ये जो है थोड़ा डाउन है, ये पूरा डाउन है गाइस, ये पूरा डाउन है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ना ये इतना तो होता है ये ये डाउन है और ये जो है ये है, ये देखिए ये वाला ये डाउन है ये साइड का, ये देखो ना इधर में तो ये ग्रास है इसलिए यहाँ पे पकड़ पाता है, ग्रास है। चलो उधर जाएंगे सुबह, हो गया कैमरा बंद करो। सो गाइस आप लोगों ने जो है देख लिया नदी कितना गहरा है, मैं जो है दो बार ट्राई किया उधर जाने के लिए पर जा नहीं पाए थे, इतना गहरा है और करंट भी ज़्यादा है। तो एक्चुअली दोस्तों बोट भी जो है बहुत दूर है वहाँ पे, तो वहाँ से लाने के लिए काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि नदी जो है गहरा होने के साथ साथ जो है ये करंट भी ज़्यादा है, तो खींचने में जो है थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वैसे तो सामने होने से तो कुछ अलग बात था, तो बहुत दूर है इसलिए हम लोग जो है बोट से ट्राई नहीं कर पा रहे हैं, और लेकिन हाँ ये नदी थोड़ा सूखनी चीज़ें हम लोग थोड़ा कम हो जाने से नदी का लेवल, तो ज़रूर हम लोग जाएंगे और दिखाएंगे हम लोग का कुद्दू का खेत। और फिलहाल यहाँ पे सुभाष भाई जो है साबुन से नहा रही है, और बता दूँ गाइस ये नदी जो है थोड़ा गंदा पानी है, आप लोग देख सकते हैं गंदा है पानी, इसलिए मुझे जो है बॉडी में पूरा खुजली हो रही है। तो गाइस जल्दी से जल्दी जाना होगा, एलर्जी हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं जो है गंदा पानी से जो है ज़्यादा टिक नहीं पाता हूँ मैं, और कुछ लोगों तो गाइस बुरा भी लग रहा होगा गंदा पानी बोल रहा हूँ, हाँ पानी तो गंदा ही है, तो उससे कुछ दिक्कत नहीं है गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं पूरा दुख हो गया पानी। तो ऐसे में जो है दोस्तों डुबकी लगाना भी बहुत गलत बात होती है, क्योंकि आँखों में जो है अगर आप वहाँ पे कुछ लग गया तो आँखों में आप लोग देख सकते हैं कितना वायरस होते हो गए, और मुझे जो है थोड़ा खुजली भी हो रही है। तो गाइस जैसे ही हम लोग जो है बाइक को स्टार्ट किया, बाइक जो है ख़राब हो चुका है गाइस, तो यहाँ पे जो हम लोग सोर के जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे सुबह आगे आगे एक्चुअली ये मुद्गत भी ये देखिए ना यहाँ पे अंदर में एक पत्थर घुस गया था छोटा वाला पत्थर, तो ये मुद्गत पूरा खत्म,
एंड बाइक पता नहीं क्या हो गया, अपने आप जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। तो तेल जो है अवेलेबल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देख रहा है, लेकिन अंदर में पता नहीं कौन सा मशीन ख़राब हो चुकी है, तो उसको जो है बाद में ठीक करना पड़ेगा। अब फिलहाल हम लोग जो है घर जा रहे हैं, तो मैकेनिक को लाना पड़ेगा यहीं पे रख के। तो गाइस अभी जो है हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, तो आप लोग तो देखा है बाइक पूरा जो है ख़राब हो चुकी है, पता नहीं किस कारण से अपने आप ख़राब हो चुकी है, स्टार्ट हो गया फिर अपने आप स्टार्ट बंद हो गया। तो बहुत बार कोशिश की हम लोग जो है स्टार्ट करने के लिए, पर स्टार्ट नहीं कर पाए, और वहाँ पे जो है सर के जा रहे हैं हम लोग। तो बाद में जो है खाना लॉन्च करके हम लोग जो है मैकेनिक को यहाँ पे लाना पड़ेगा और बाइक को ठीक करना पड़ेगा। सो गाइस अभी जो है बिल्कुल शाम होने को चला है, एंड मैं और मेरा दोस्त जो है मिल के जो है हम लोग जो है अभी मछलियाँ पकड़ने जाएंगे मच्छरदानी से। तो आप लोग तो देखा है दोस्तों, सुबह को जो है हम लोग नदी जाके आए थे सुबह जोर में, एंड फिर से जो है दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ नदी में। तो मज़ा आने वाला है दोस्तों, काफ़ी दिन हो गया मैं जब फिशिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो आज जो है मौका मिला दोस्तों के साथ पूरा एंजॉय करने के लिए और मछलियाँ भी पकड़ेंगे, तो मज़ा आएगा गाइस। तो आप लोग जो है वीडियो में पूरा एंड तक बने रहेगा। एंड मच्छरदानी जो है हमारे पास नहीं है, तो इसका बड़े भाई का पास है यहाँ पे, तो उसका ले लेंगे। और एक दोस्त भी है जो आने वाला है, तो वो जो है थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे। एंड फिलहाल जो है अब हम लोग पहुँच गया और नदी तो बिल्कुल सामने ही है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नदी में, और ये देख सकते हैं नदी काफ़ी बड़ा हो गया। तो सुबह को जो है हम लोग ऊपर में जो है नहाए थे सुबह सोर में, और ये देख सकते हैं नीचे में कितना बड़ा हो गया नदी। इस पार में जो है हम लोग मछलियाँ पकड़ेंगे, तो देखते हैं वहाँ पे जो है बहुत ही कचरे है, घास है, तो उसमें जो है देख देख के हमें जो है पकड़ना होगा। और ये भाई साहब जो है पूरा शर्ट भी खोल दिया, और उधर में जो है कुछ बच्चे जो है ये छोटा नाली को जो पार होकर वहाँ पर वहाँ में छोटा सा आइलैंड है उसमें बैठ रही है, खेल रही है लोग। तो आज कैमरामैन जो है मैं किसको बनाऊंगा दोस्तों, देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा है उसको बनाऊंगा मैं, ये देख सकते हैं इसको कैमरामैन बना दूंगा। चलो भाई तुम कैमरामैन बन जाओ, हाँ हम लोग मछलियाँ पकड़ेंगे। ये देखिए पानी जो है कितना दे लेवल दिखना, घुटनों तक आ जाते हैं अभी यहाँ तक, और वहाँ जाते जाते जो है यहाँ तक आ जाएंगे वो बड़ा नदी में, तो वो उसको भी दिखाऊंगा मैं गाइस। तो गाइस चलते हैं देखते हैं वो बड़ा नदी। तो गाइस ये देख सकते हैं बड़ा नदी, तो इस नदी को जो है पार होने के लिए नाव चाहिए दोस्तों, बोट चाहिए। तो बोट जो है हमारे पास नहीं है, तो मैंने सुबह को बोला था बोट लेने के लिए जो पूरा नीचे तक जाना होगा। तो ये देख सकते हैं कितना बड़ा है, तो उसमें ये छोटा वाला नदी जो है ये पार होकर वहाँ पे उन लोग खेल रही है बच्चे लोग। तो फिलहाल हम लोग जो है अभी यहाँ से शुरू करेंगे मछलियाँ पकड़ना। तो ये किनार किनारे में जो हम लोग फिशिंग करेंगे गाइस, तो यहाँ बीच में तो जा नहीं सकते, बहुत ही गहरा है नदी, इवन कारण भी ज़्यादा है। और ये मछलियाँ रखने का जगह, ये छोटा सा बकेट लाए थे साथ में, लो भाई मछली। ये देखे गाइस, तो हमें मिला है ये देखिए पास टाइम में, ओ ये क्या मछली है दोस्तों, मैं ये भूल गया इसका नाम, ये बिल्कुल इल्फी जैसा ना, एकदम इल की तरह, ये देखो ना। और झींगे भी मिला है, ये देखिए झींगे झींगा, और ये कौन सा पीस है, बाय पीस ना बाय क्या पीस मुझे मालूम नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना गाइस। और झींगे तो दो मिला है, ये पांच टाइम इसका पेट में देखिए गाइस, पूरा बाली एकदम धुला देते हैं हम इसका। हम लोग जो है इसको रखने के लिए जगह जो वहां पे सुर के आए थे, तो बाइस जो है लेने गया है देना। अरे
देखूंगा। तेज चलो यार, इतना इतनी। अरे बहुत बड़ा मछली मेरा पैर में लग गया गाइस। लगता है इस बार बड़ा मछली फंसने वाला है हम लोग का नेट में। चलो हो गया हो गया, उठाओ 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 कहेगा। हाँ उठाओ अभी उठाओ, जल्दी आओ कैमरा मैन। प्राउड हो गया गाइस, प्राउड हो गया हम लोग का साथ। ये देखिए ना मछली फंसा नहीं, बस छोटे छोटे मछलियाँ जो है पास ही देख सकती है, ये एकदम काले काले वाले। तो गाइस किस लिए नहीं मिला है मैं बता दूँ, ये देखिए इतना बड़ा छेद हो गया इसमें, इसका पैर लगा है पूरा, इतना बड़ा छेद हो गया। तो इसको जब ऊपर में ऐसे रखना होगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मछलियाँ जो है भाग जाएंगी यहाँ से। चलो अभी फिर ट्राई करते हैं गाइस, सेकेंड बार भी तो नहीं मिला। चलो या हो थोड़ा स्किप करो भाई। गिर गया, फिसल गया था मेरा पैर। ये देखो गाइस अभी बड़ा बड़े मछली जो है फंस गई है हम लोग का नेट में। ये देखो गाइस इतना बड़ा बड़ा तीन तो लगाए मजा आ गया। इसको जो है मरना पड़ेगा नहीं तो हम भाग जाएंगे, जंपिंग करके छलांग लगा के नदी में फिर गिर जाएंगे, तो हम लोग का जो है पूरा लॉस हो जाएगा। हाँ लॉस हो जाएगा बिल्कुल। चलो इसको फेंक देते हैं पहले। हाँ बस बस इस बार तो सिर्फ कचरा ही कचरा। एक दो मिला है झींगा, लो मछली सबसे खाने वाला बढ़िया मछली यही होता है ये साइज का। मुझे हर बार आई मेरे को बदलने हो सा बताओ ना जी। सो गाइस हम लोगों ने जो है फिशिंग करते करते काफ़ी दूर आ गया और ये देख सकते हैं वहाँ से आए थे हम लोग, तो फिर वापस अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे, तो उधर में ऊपर की तरफ जो है नॉर्थ की तरफ हम लोग जो अभी फिशिंग करेंगे। तो इस बार तो काफ़ी कम मिले हैं और स्माइल भाई चलो। सो गाइस यहाँ का खुले मैदान देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही रोमांटिक सीन है गाइस। सामने जो है नदी है और यहाँ पे ग्राउंड में छोटे छोटे ग्रास। सो गाइस मछलियाँ पकड़ते पकड़ते काफ़ी देर हो गया है और शाम होने को भी चला है गाइस, तो हम लोग कितना मछली मिले हैं देख सकते हैं। ये देखिए गाइस ये थोड़ा बड़ा साइज का है और ये देखिए मीडियम साइज का और सबसे छोटा साइज ये देखिए झींगा और ये छोटा साइज का मछलियाँ। तो आज मज़ा आएगा गाइस ये छोटे छोटे मछलियों के साथ डिनर करना। और बता दूं गाइस मेरा साथ जो है एक कैमरामैन था ना बच्चा, तो वो भाग गया और हम लोग जब वहाँ पे फिशिंग कर रहे थे तो ये जो है बकेट को आधा रास्ते में छोड़ के घर चला गया, और भाई लोग अभी तक नदी में खेल रही है और वो नहा रही है। तो हम लोग जो है अभी फ़िलहाल इसको
पूरा सफाई करके लेके जाएंगे, डायरेक्ट घर पे जाके जो है बनाने से हो जाएगा, तो यहाँ से जो है तैयारी करके ले जाएंगे। और देखो मज़ा आ रहा है इन दोनों को। मैं तो गैस पूरा थक गया, उधर में गए थे हम लोग, ये पूरा वो ये नदी को पार होके गए थे, और कैमरामैन के लिए जो है वो बच्चा नहीं था तो वीडियो नहीं कर पाए थे, काफ़ी मज़ा आ गया। उस साइड में भी गए थे हम लोग तो उधर में मछली नहीं मिले थे। सो गाइस अभी जो है इन मछली को हम लोग सफाई करेंगे, तो यहाँ पे पहले ढाल लेते हैं बिल्कुल इस तरह से, तो पूरा जो है पानी से और सफाई करेंगे, एंड जितना भी कचरा है ना इन लोग का पेट में, ये सब कुछ जो है सफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है मछलियाँ सफाई चल रहा है गाइस, देख सकते हैं, और ये देखिए सबसे बड़ा वाला ये सफाई कर रहे हैं, और ये देखिए छोटे छोटे झींगा भी मिले हमें। तो गाइस यहाँ देखिए सूरज डूबने का नज़ारा, और ये देखिए माउंटेन बेली, उधर में देखिए पहाड़ जो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं गाइस यहाँ से। और ये क्या पहना है भाई तुम? मजाक चलते है गाइस। तो गाइस आज का व्लॉग जो है मेरा शुरुआत ही नदी से हो गया, एंड ऑन भी यहाँ से हो रहा है। तो गाइस वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, एंड वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।